ब्रेक पर स्वागत। प्रवासी मानंकु नै वर्तमान चिंता बढ़िबारे लागिछि। राज्य रे प्रतिदिन हुहु होई कोरोना संक्रमितंकर संख्या राज्य रे बढ़ी चालिछि एवं सेति मध्यरु अधिकांश कहिबा गले प्राय समस्त हेउछन्ती प्रवासी ओडिया जो माने कि राज्य बाहरु विभिन्न स्थानरु फेरुछन्ती बस जोगे हु बा ट्रेन जोगे हु एवं सेमाने पहुँचिबा परठारु ओडिसा रे हुहु होई सेमानंकर संख्या बढ़ी चालिछि। तो गोटे बड़ चिंता वर्तमान साजिछन्ती ए प्रवासी माने। जदिओ राज्य सरकार आश्वस्त करिछन्ती समस्त को राज्यवासी को जे से जो माने प्रवासी फेरुछन्ती सेमानक पई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जायछि। तांको क्वारंटाइन ने रखा जिवो एवं परीक्षा सेमानकर करा जिवो कि जेभली भाव रे सेमानक जोगु स्प्रेड न हुए कोरोना से नै सब प्रकार पदक्षेप निया जिवो। किंतु ता सत्वे भी ताकु नै कि प्रवासी को नै कि लोकक भीतर भय सृष्टि होईछि एवं लोक माने चिंता रे अछन्ती। सरकार मध्य चिंता रे अछन्ती, प्रशासन मध्य चिंता रे एवं एबे भी प्रवासी माने फेरिबा राज्य को जारी रही। तो ए प्रसंग रे आज आम आलोचना प्रवासी चिंता आम सहित आज जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक संदीप साहू ए प्रसंग रे आलोचना पे आम सहित अच्छा डॉक्टर महेश रथ प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपण मानक स्वागत करुच्ची। प्रथम सहित संदीप साहू आपणकर प्रतिक्रिया नवाक चाहिए। वर्तमान प्रवासी को नहीं जो चिंता वर्तमान सामना को आसुची एवं प्रवासी आसीबा परठारु राज्य रे संक्रमितंकर संख्या जो भली बापरे हु होई बढ़ी चालीची। तो ए धारा आगु को मध्य जारी रहिबो कारण प्रवासी माने आगु को मध्य आसीबा जारी रहिबो। जति जो टारगेट दे जाईतिला पाखाबाकी 5 लाख प्रवासी विभिन्न स्थान रे अछंती, खूब कम आछंती तांक भितरु। तो आगु को जेतेबेले आसीबे तो तार आगु गोटे विस्फोटक सृष्टि परिस्थिति सृष्टि होई पारे कि प्रवासी माने जेतेबेले आसीबे संख्या आहुरी बढ़िबो कि त से नै केते प्रस्तुत आमर राज्य रे व्यवस्था आपन को लागुछि। सप्ताहे भितर आम देखी सारे जे प्रवासी जेतेबेले फेरिबा आरंभ करिबा परे राज्य सारा विभिन्न जिले रे पॉजिटिव केस रो संख्या हु होइकिरि बढ़ी चलछि। विशेष कर गंजाम जिले में आम जो परिस्थिति देखिले जोटा ग्रीन जोन थिला 2-3 दिन मध्य सीटा रेड जोन को आसीगला। वर्तमान शताधिक केस से पॉजिटिव बाहर किंतु यहाँ किसी अप्रत्याशित नथिला। एटा जणा थिला जे माइग्रेंट माने जेतेबेले आसीबे से माने पुणी हॉटस्पॉट जगह रु सब आसुचंती, सूरत हो, अहमदाबाद हो, अन्य केरल रो एर्नाकुलम हो, कलिकता हो, से सब एमिति अंचल रु आसुचंती जोटी कोरोना ऑलरेडी व्यापक भाव रे संक्रमण चली। तेणुकरी तांको भितरु जे अनेक संक्रमित थिबे सेटा मु भावुची संपूर्ण भाव में अप्रत्याशित नथिला। किंतु मो विचार रे एबे जो संख्या बहुत हठात कर बढ़ी जाइछि सेथिरे अति आतंकित हवा अपेक्षा मु भावुची जो किछि भूल भटका रहिछि आमको तांको फेरे कर आनिबारे एवं एठी क्वारंटाइन रे रखिबा व्यवस्था जो होइछि सेथिरे जहाँ किछि त्रुटि विचुति रहिछि ताकु ठीक करिबा दरकार। काहेकिना से जदि सेइठी जदि तांको छाडि दिया जाइथांता से माने एते डेस्परेट अवस्था को आसी जाइले एते विकल अवस्था को आसी जाइले जे जबरदस्त हुए तो रखा संभव है न था। आप प्रतिदिन देखते आपण मैने लोक शहे शह शह किलोमीटर चलिकी पलि आसुंच निज गाँ को से जदिमती सरकारी व्यवस्था बाहर निज उद्यम विभिन्न बाटे जदि चली आसी था तेल मुझे भावुची स्थिति आहुरी विस्फोरक होता कहीं सी जापर घर पहुँची था निज गाँव में पहुँची था द्वारा संक्रमण व्यापार आशंका आहुरी बढ़ी जाता। बर्तमान अंत यकी निश्चित करे जो मैंने आसुंच से मानू सीधा क्वारंटाइन सेन्टर को निजीता संगरोध रे निर्धारित समयपी प्रथम थी 14 दिन एवं 28 दिन एवं ता भितरु टेस्टिंग हबो एवं जो मानक पाखरे लक्षण देखा जीवो बा जो मानक पाखरे संक्रमित होबार प्रमाण मिलिबो से मानकु सीधा कोविड हॉस्पिटल को एटा निश्चित भाव रे गोटा भलो व्यवस्था। किंतु एटा मोर आशंका निश्चित भाव रे रहिछि जे 5 लाख बा तदुर्ध प्रवासी श्रमिक जो फेरिबे समस्त बोधे एडिक्वेट बा यथेष्ट व्यवस्था आम एपर्यंत सृष्टि करिनाहु। सरकार मझे कहते जे प्राय 2 लाख लोकों पर आम व्यवस्था कर सारी किंतु जदि 6-7 लाख बा तदुर्ध लोक आसबे तेल हूँ तो सहीटा गोटे समस्या करी पारे। ता छड़ा टेस्टिंग फैसिलिटी
जदिओ पाखापाखि 3000 टेस्ट प्रतिदिन किंतु जेते संख्या रे आसुचंति प्रवासी से तुलना रे देखिबा को गले सी आदौ जथेष्ट नुह तेणुकरी हुए तो आमको खूब शीघ्र टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ेबा को पड़िबो एवं जो एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल सब आम तैयारी करछु सेथिरे बेड संख्या बढ़ेबा को पड़िबो बा नुआ हॉस्पिटल को तैयारी करबा पे व्यवस्था करबा को पड़िबो आगामी दिन में बहुत किछि करबा को अछि किंतु मु मो विचार बहुत किछि करबा को बाकी अछि त ये गोटे बड़ चिंता आगु को मध्य ए धारा जारी रहिबा मु सीतो साहू आपन पाखु फेरिबी डॉक्टर महेश रथ मध्य आम सहित अच्छा डॉक्टर रथ जो भाई भाव में बर्तमान जी आसीु तो जो भाई भाव में आसूँ बर्तमान पॉजिटिव रिपोर्ट सामना को आसूँ प्रतिदिन गोटे बड़ चिंतार कारण पलटि गंजाम कथा सब बड़ उदाहरण तो आगुक आहरी लक्ष लक्ष प्रवासी आसवे ओडा को तो आगामी दिन में बड़ चैलेंज आप कौन देखुं प्रवासी को लेकिन ओडार नमस्कार निहाती गोटे बहुत बड़ा चैलेंज होची कि प्रवासी माने आसिकी पहुँचुचंती आ तांको भितरु एते परिमाण रे पॉजिटिव आसुचंती किंतु गोटे या भितरु भल जिनस हला से माने कंटेनमेंट जोन भितरे अछंती सेइटा गोटे पॉजिटिव न्यूज आमे या भितरु पाई परिवा कि से माने कंटेनमेंट जोन रे अछंती से माने लोकंको मध्यरे नाहंती तो आमे एई जो इन्फेक्शन रो स्प्रेड टाको कंट्रोल करि परिया किंतु आगामी दिन में प्रॉब्लम कौन हम जमी गत थर गंजाम होता कि प्रवासी माने कंटेनमेंट एरिया रु दौड़ी पलाऊँ खसी पलाऊँ गत आज सका न्यूज रे देख ली लोक ट्रेन चेन पुलिंग करी डे पड़ुं ये सब जिनस आसिकी आमर कम्युनिटी मिसीबे जदि से पॉजिटिव थे तेल से कंट्रोल करने कष्ट प्लस आउ गोटे जिनस जदि आमे तांकु जमती कुहा हला ग्राम पंचायत रे तांकु कंटेनमेंट रे रखिबा देन लोकल लोकंकु तांको एरिया रे कंटेनमेंट रे रखिबाटा बहुत कष्टकर हबो बोली मु मने करूची सरपंच हातरे पावर दिया हेछि किंतु सरपंच को से माने मे बी ओवर पावर भी करि दे पारंती जतळे एते एते लक्ष लक्ष संख्या रे लोक आसुचंदी गोटे गोटे गाँव रे हजार हजार लोक फेरिला आळकु से माने मे बी तांको कथा सुनि न पारंती तो तांकु मो मतरे से मानंकु आमे गोटे सेपरेट कंटेनमेंट एरिया रे तांकर गाँ तांको लोकालिटी बाहर रखिले तांकु आमे बेटर मॉनिटर करी परिया रादर देन कि तांकु निजर ग्राम पंचायत को पठेगी सेठी कंटेनमेंट रे रखिबा तो आप कहते जे से निज अंचल न रखी एक स्वतंत्र अंचल सृष्टि करा दरकार कंटेनमेंट अंचल जोटिकी जो माने प्रवासी जो माने बाहर फेरता से सेठी रखा जाए कि क्वारंटाइन में रखा जदि आवश्यक पड़े से सेठी समस्त प्रकार परीक्षा मध्य डॉक्टर रथ मु परवर्त समय फेरि आपण पाक संदीप साहू वरिष्ठ सांबादिक अच्छा आम सहित लगातार भाव में चित्त साहू प्रवासी माने फेरिबे एक कथा एवं फेरिबा परे पॉजिटिव को संख्या बढ़िबा एक कथा जणा थिला राज्य सरकार बारंबार मध्य कहुतिले एवं आश्वस्त मध्य करितिले जे ताकु ने चिंतित होबार नाही कारण सब प्रकार व्यवस्था करा जाइछि किंतु सरकार कर समस्त प्रयास सत्वे किछि एभली अमान्या रहिछंती प्रवासी जो माने कि सरकार कर नियम को मानु नाहंती से माने क्वारंटाइन सेंटर रे रहु माने सेटरु खसी पळाउछंती तार नीति नियम को मानु नाहंती कोठी सरपंच को बाड़ मारलेनी कोठी जो कथा कहुतिले आज मते गत काली खबर आसतिला ट्रेन रे आसुछंती अधा बाटरु ओल्हई पळाई जाउछंती तो यही जो माने रहिछंती अमान्या तो सेमानको जोगु गोटे परिस्थिति सृष्टि हो पारे कि बा गोटे असुविधाजनक परिस्थिति आगामी दिन में सृष्टि हो पारे कि तो सेमानको पाई कौन करा जीवा उचित विशेष करे देखंतु एटा अत्यंत गर्हित कार्य जो माने आसला बेले बाटरे ट्रेन रे ओले जाउछंती बा रातिरे घर को पळे जाउछंती बा संगरोधर जो कटकणा अच्छी जदि उल्लंघन करुंचंती बुझिपारे से केवल निजर क्षति करूना अगर क्षति करुंचंती विपद जीवन को विपद पकाउंती तेणुक आचरण को पूरा दृढ़ भाव में दमन करने दरकार विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दरकार जदि संगरोध में रही से भली कौन लोक यम उल्लंघन करमी गोटे जगार रखा जाऊ जो सी द्वितीय लोक कह संस्पर्श आसी पार ना
ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତକ ଆସିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 70,000 ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ନିଜ ନିୟମ କାନୁନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଏମିତି କରିକିରି ବିପଦ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଦିନଯାକ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ କିଛି ଲୋକ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ଯେଉଁ କଥା ଡାକ୍ତର ସାହେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏବଂ ରାତିରେ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଭଳିଆ ଘଟଣା ନୁହଁ, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ରଥ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପାଖରେ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରହିବ ଘରର ଆକର୍ଷଣ, ଏବଂ ଘର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ଘରୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା କରିକି ନେଇଯିବା। କାଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବି ଘରୁ ଆଣିକିରି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଲକ୍ଜୁରୀ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଏଇଟାକୁ ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ଦମନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଡକ୍ଟର ରଥ, ଓକେ ମୁଁ ଆସିବି ସୀତ ସାହୁ। ଡକ୍ଟର ରଥ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଲୁଚିକି ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବା ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ଜାରି ରହିବ ହୁଏତ 100 ଜଣରୁ 5 ଜଣ କି 2 ଜଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ବାକି 96 ଜଣ ନିୟମ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପାଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିପଦ ରହିଛି କି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାନିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ? ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା 100 ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି 10% ଅମାନିଆ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, 100% ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ନିୟମ ମାନିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିପଦ। ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ଆଣିକି ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଭିତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖସି ପଳାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଟୋଟାଲ ସେ ଏରିଆ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ବିପଦ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଖାଲି 4-5 ଜଣ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଫେଜ୍ 1 ଫେଜ୍ 2 ଭିତରେ ରହିଯାଉ, କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍କୁ ନ ଯାଉ କି ସେଇଟା ଅତି ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏହିପରି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହୁଏ, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଏବେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅମାନିଆ ସବୁଯାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେବାଟା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ଆଉ ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମ ହାତ ବାହାରକୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ, ସେତେବେଳେ ଅବଭିଅସ୍ଲି କେସେସ୍ ତ ବଢ଼ିବ, ଡେଥ୍ସ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଏମିତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଛୁ, ସେ ମେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ, ଇନ୍ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମକୁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଚୁଏସନ୍ଟା ବହୁତ ଗ୍ରେଭ୍ ହେଇଯିବ, ସିଚୁଏସନ୍ଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସରକାର ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ପୁରା ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ 14 ଦିନ 21 ଦିନ 28 ଦିନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ କି ରହିଲା ମାନେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସେମାନେ ଏଡ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା, ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହୁଥିଲେ ସୀତ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରଥ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୀତ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ, ୟା ମଧ୍ୟରେ
आज जो भाई भाव में प्रधानमंत्री मोदी आज सबु राज्यर मुख्यमंत्री मान सहित आलोचना करुँच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आलोचना करेंगे अनेक प्रसंग से उठिपे कहुच्चे लॉकडाउन समय सीमा जेहेतु सप्ताहे पर सरुच से प्रसंग आलोचना हम जो इकोनोमी एक्टिविटी बढ़ावा किभली भाव में रखा से प्रसंगे एवं ट्रेन चलाचल विमान चलाचल कथा आसुची मध्य तो आज जो बैठक रही को प्रसंग मुख्यतः स्थान पाई आपको लगुच बैठक के गुरुत्वपूर्ण निश्चित भाव में लॉकडाउन उठब कि ना सतर पर मुख्य प्रसंग हम एवं जदि लॉकडाउन ताले अर्थनैतिक गतिविधि पुणी त्वरान्वित करने आउ कौन सबू कटकणा कोहल करा जाई परिबो द्वितीय थर जितेबले अवधि वृद्धि होता लॉकडाउन रतबाद अनेक जो गुड़ाक आगुरु रेस्ट्रिक्शन उठे दिया जाइला नियम को कोहल कर दिया जाइला किंतु ता सत्वे देखा जाउची जे अर्थनीति जो प्रकार चलचंचल हवा कथा एपर्यंत हो पारिना आउटा आगामी दिन में हुए तो आहुरी बड़ समस्या होकर उभा हम से अर्थनैतिक गतिविधि लोकंर जीवन जीविका पुणी आउ थे जमी पूर्व अवस्था को केते शीघ्र फेरी पार से विषय आलोचना हबो एवं वर्तमान जो प्रवासी श्रमिकों को फेरे नवा कथा नहीं विभिन्न राज्य में जो समस्या देखा आपण जानते पहर दिन गृहमंत्री अमित शाह ममता बनर्जी को चिठी लिखिकी कहते ये ठीक नुहे आपण जो प्रवासी श्रमिक मानकर ट्रेन को अलाउ करना निज जगार जावाई से ठीक नुह यही जो समस्या अच्छी से विषय आलोचना हम ता सहित वर्तमान जो प्रकार आम वर्तमान सबुठ विपज्जनक पर्याय को आम आसुचे इनिशियली आम कहीपे अन्य देश मानक तुलन में आम अवस्था बहुत भल अच्छी से आम बहुत खुशी भी होते किंतु वर्तमान जो 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 रेट्रे केस संख्या बढ़ी चलती जो रेट्रे मृत्यु संख्या बढ़ी चलती गला पंदर दिन भितर सेटा गोटे सरकार निश्चित भाव बड़ मुंडविधार कारण एवं एक कथा भी वर्तमान मु भावुचे जे वर्तमान आउ पंदर दिन जदि बढ़े भी दिया जाए लॉकडाउन ता द्वारा समाधान हम ना आमको या धरिकी चलने पड़ो जे आगामी छ मास कि वर्षे पर्यंत कि हुए तो ताठू अधिक समय पर्यंत कोरोना भाइरस आम देश में रहिबो एवं संक्रमण करुथबो केवल एतिकि जे तार संक्रमण को केमती प्रतिरोध करिपरिबा नियंत्रित करिपरिबा नुआ जागा को केमती न पहुँचु तापाई कौन व्यवस्था करिपरिबा से सबू जिनस बापदे मु भावुचे विस्तृत आलोचना हबो किंतु लॉकडाउन आउ बढ़ाटा मत लगुना ही आउ गोटे से गोटे प्राक्टिकल सल्यूशन गोटे मैंने कार्यकारी करहब बोली मत मन हो लॉकडाउन बढ़ा जाव कि ना से प्रसंगे आज बैठक में आलोचना हे डॉक्टर रथ जब ठारू थर्ड फेज लॉकडाउन रे अनेक किसी एक्टिविटी को जिते बड़ा अलाउ करा जाई थिला बा किसी कटकणा को जिते बड़ा हटाई दिया जाई थिला एवं ता परठु सारा देश में संक्रमित संख्या बहु गुण बढ़ी जाई थिला एवं बहुत बढ़ी जाई थिला तो सतर तारीख में सरी जाऊँगी आज बैठक जिते बड़ा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मान मतामत ने आलोचना हम से प्रसंग आज गुरुत्वपूर्ण गोटे प्रसंग रहीपे आज आलोचन तो आपण कौन लगुच जे जदि लॉकडाउन को संपूर्ण रूपे उठाई दिया जाऊँगी यार प्रभाव किभली भाव में पड़े कोरोना मुकाबला दिगरे लॉकडाउन गोटे मेजर लॉकडाउन गोटे सल्यूशन नो सेटा हला गोटे मेजर लोकों को सचेतन करिया पाई कि आमे जदि संगरोध भाव में रहिबा जदि आमे किछिटा नियम मानिबा घरे रहिबा अननेसेसरी आमर गेट टुगेदर सब अननेसेसरी आमर पब्लिक रे देखा हबा एटा जदि आम अवॉइड करिया ताहले आमे कोरोना ठू बंची परिबा किंतु लॉकडाउन गोटे सल्यूशन नुह आमे कारण एटा गोटे वायरस जोटा कि टिल द टाइम हर्ड इम्यूनिटी जोटा कहंती कि आमर कम्युनिटी भितर तार गोटे नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप न करिछि एटा एमिती स्प्रेड हि चालुथुबो तो सेइथि पई लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन हाँ ऑब्वियसली लॉकडाउन खोलला परे आमे देखिबा कि लोक जो माने घर भितर अछंती बहुत एसिम्प्टोमेटिक केसेस थिबे जो माने बाहरे
जेतळ जाई मिसिबे सेतळे केसेस बढ़ी पारे जदि बढ़ गवर्नमेंट से अनुसार मेजर्स नहीं कि गवर्नमेंट कोविड हॉस्पिटल्स खोली टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ोची जो माने रहिबे सिम्टोमेटिक से मानंकु टेस्ट कराहब तांकर कांटेक्ट ट्रेसिंग हबो आउ से अनुसार से मानंकु कंटेनमेंट जोन रे कि कन्फाइनमेंट रे रखिकी ट्रीटमेंट कराहब एटा गोटे बहुत बड़ चैलेंज आगु को आसुची से चैलेंज पे प्रिपेयर करिया पे ही आमर एतिकी दिन हला लॉकडाउन रहिची ता भितरे गवर्नमेंट मु श्योर अछि कि सबुजाक स्टेट गवर्नमेंट्स या पे प्रिपेयर्ड थिबे कारण ये लॉकडाउन रे इकोनॉमिक तो बहुत ही आमर इकोनॉमिक लॉस होची ता सहित तो लोकंकर लाइवलीहुड नथिला अलगु लोक आहुरी बेसी प्रॉब्लम रे पडुचंदी सो लॉकडाउन टा मे बी आउ एक्सटेंशन न करिकी जदि खोली देबे देन आमे देखिबा कि केते यार इम्प्रूवमेंट रहुची किंबा केते इनक्रीज होउची केसेस से अनुसार आहुरी ड्रास्टिक मेजर्स नबाकु पडिबो आहरी व्यापक पदक्षेपर आवश्यकता रही जदि लॉकडाउन उठाई दि जाऊँगी श्रीयुत साहू आज मुख्य प्रसंग रतबाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मान सहित आलोचना करेंगे लॉकडाउन कह तो लॉकडाउन जदि उठे दि जा 17 तारीख पर ठार तार मुकाबिला जो सब लोक आसबे बाहर को समस्ते मिसिबे एवं जो कटकणाटी जारी रही से कटकणा हटिजी तो परवर्त परिस्थिति जो भाई भाव में सृष्टि हे तार मुकाबिला आम ओडिशा कथा जदि लक्ष्य करवा आपण को लगुच्छे आम व्यवस्था अच्छी पर्या से भाई भाव में व्यवस्थित रही जदि किसी से भाई परिस्थिति सृष्टि हुए तार मुकाबिला करा पार देखो तो एटा सहज हम नहीं एटा निश्चित भाव में बर्तमान ठू जल जल हो देखा जाना जदिव गत दुई मस है सारा देश लॉकडाउन रे रही अधिकांश लोक बर्तमान बुझी सारे मानने सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पिंधिबा एवं हाथ धोइबा ये सब जिनस महत्व बुझी सारे किंतु अनेक लोक भी अबुझा अच्छा जो मैंने बुझुना एपर्तंत से जो कटकणाता उल्लंघन कर चलती निजपाई अन्य विपद सृष्टि कर चलती किंतु से माने जदि न बुझे सरकार केते दिन आ अटक रखिपर एटा संभव नुहे जे माने शेष कोरोना केस थिबा पर्यंत कोरोना भाइरस एठी गोटे रही पर्यंत आम लॉकडाउन रे रहा से तो संभव नुहे ना तेणुक आमको गोटे बैलेंसिंग एक्ट करिवो पड़िबो जे जीवन यात्रा जोटा ठप हो रही एते दिन धरिकी पुणी आउ थे चलचंचल करिवो पड़िबो इकोनॉमिक एक्टिविटी आरंभ करिवो पड़िबो लोकंकर जीविका हरे बड़ दुर्दशा लोक अच्छा जदि आम अनुमति बर्तमान नदबा लॉकडाउन न उठेबा ताले अवस्था आहुरी सांघातिक हबो एवं विशेष करी गरीब लोक जो मैंने प्रतिदिन खटिले रोजगार करिवे चलिबे सेमानको पई एटा असह्य आमे जो मैंने मिडिल क्लास बा अपर क्लास लोक कंफर्टेबल सिचुएशन रे अछु आमे तांको दुर्दशा तांको असुविधा केबे चिंता करि परिबा नै किंतु जो मैंने इजिली कहि दउचंती लोक जे नै लॉकडाउन आउरी 15 दिन बढ़े दियो कि मासे बढ़े दियो बोली लॉकडाउन मासे बढ़े देले बे मु स्थिर निश्चित जे मासे परे भी समस्या केबे भी समाधान नै जाई नथिबो आउरी रहितिबो 6 मास वर्षे हुए तो जेपर्यंत वैक्सीन न बाहरी से पर्यंत ये समस्या लागिकी रहितिबो आम देश में सारा पृथ्वी में तेणुक से पर्यंत कौन आम पूरा लॉकडाउन कर रखि सारा देश को यहाँ गोटे प्राक्टिकल एक्सपीरियंस सॉल्यूशन जमा नुहे लॉकडाउन बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत साहू समय अभाव अच्छी आमको सारिया को पड़ा आलोचना को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत संदीप साहू एवं डॉक्टर महेश रथ आपर सुचिंतित मतामत तो आम आलोचना करुले प्रवासी मान चिंता जो भाई भाव में बढ़ाई प्रवासी मैंने आगक आसबे तो से कौन पदक्षेप निजा उचित से संपर्क में मत रखुले श्रीयुत संदीप साहू और डॉक्टर रथ सहित प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्री सहित जो आलोचना रही मुख्यमंत्री मान सहित एवं लॉकडाउन उठिबा प्रसंग स्थिति रे स्थान पाइब से विषय में आलोचना करे तो समय होइछि आलोचना सहित बुलेटिन को इट रखा नमस्कार।